वेरी वेलकम लर्नर्स। आज का इंग्लिश वोकेबलरी डोज, इट में हमारा जो वर्ड है वो है, देखिए, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल, शानदार, स्वादिष्ट, या हम कह सकते हैं वेरी अट्रैक्टिव। डिलेक्टेबल जो वर्ड है कई सेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, डिलेक्टेबल म्यूजिक, डिलेक्टेबल फूड, डिलेक्टेबल गेम, डिलेक्टेबल गिफ्ट, डिलेक्टेबल न्यूज। यानी जो ये वर्ड है डिलेक्टेबल, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा कहें, स्वादिष्ट कहें, आकर्षक कहें। तो देखिए, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, डिलेक्टेबल। अभी तक हम जैसे अट्रैक्टिव है इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं डिलेक्टेबल से। तो कुछ इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिलेक्टिव, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, जो आपके मन को बड़ी खुशी दे, लवली, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग। डिलाइटफुल, लवली, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग। और इसके अगर ओपोजिट वर्ड्स देखें, एंटोनिम्स, हॉरिबल, अनअट्रैक्टिव। तो डिलेक्टेबल से जुड़ा जो कोलोकेशन हमने देखा, इसको आप गेम, गिफ्ट, न्यू, जो भी चीज़ हमें अच्छा लगे उसके अलावा इसको यूज कर सकते हैं। जैसे खाना बहुत अच्छा बना है, वी कैन से डिलेक्टेबल फूड, डिलेक्टेबल ड्रिंक, वट एवर जिस भी सेंस में। तो यूसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट यूसेज, यू शुड टेक लाइट एंड डिलेक्टेबल डिजर्ट। आपको लेना चाहिए हल्का और बहुत ही डिलेक्टेबल डिजर्ट, नहीं होता खाना खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है, तो स्वादिष्ट डिजर्ट आपको लेना चाहिए। व्हाट अ डिलेक्टेबल फूड, किस तरह का, कितना शानदार, आकर्षक, कितना स्वादिष्ट भोजन है। फूड के साथ ये स्वादिष्ट का सेंस देगा। यूसेज थर्ड, डिलेक्टेबल स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। ज़्यादा जो ब्रेड बनती है उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी डिलेक्टेबल होती है, मतलब स्वादिष्ट होती है। डिलेक्टेबल स्मेल भी कह सकते हैं। यानी आपको एक कोलोकेशन यूज इसको करना है। आई लाइक द डिलेक्टेबल माउंटेन्स। माउंटेन्स के साथ भी देखिए, डिलेक्टेबल यहाँ पे आकर्षित, बहुत ही आकर्षित जो पहाड़ है वो मुझे पसंद है। तो देखिए, अलग अलग सेंस में आप इसके यूसेज कर सकते हैं। यूसेज थर्ड जो हमारे रहते हैं, देखिए, विनिंग गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इज अ डिलेक्टेबल न्यूज फॉर ऑल इंडियंस। तो देखिए, वेरी रिसेंट नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है, तो वो जो है एक हमारे लिए बहुत ही डिलेक्टेबल न्यूज है। देखिए, न्यूज़ के साथ डिलेक्टेबल का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत ही खुशी देने वाली। तो डिलेक्टेबल के सो मेनी मीनिंग्स हमने देखे, खुशी देने वाला, स्वादिष्ट, आकर्षित करने वाला। तो रिप्लेस दिस वर्ड डिलेक्टेबल, आप जितना अट्रैक्टिव वर्ड है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, डिलेक्टेबल के साथ। तो दिस ओवर दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।